अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ज़ीमल अदनान ऑफिशियल। फाइनली जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज जो मैं एक नई वीडियो लेके आई हूँ वो है जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप जानते हैं जैसे कि हम कुछ दिनों से ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड ही स्टडी कर रहे हैं, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जी, हम जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले इसका बात करते हैं कि इसका ओरिजिन क्या होता है। बेसिकली कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, ये इसका ओरिजिन ये कहाँ से मिलते हैं। नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स। तो कह रहे हैं कि जो नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक प्लांट्स होते हैं, सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, वो ज़्यादातर हमें प्लांट से हासिल हम करते हैं और एनिमल से करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हमें ज़्यादातर मिनरल्स एंड रॉक्स वगैरह से मिलते हैं। अब इनकी कंपोजिशन की बात कर लें, जैसे कि हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी हमने स्टडी की थी कि इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स मौजूद होते हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि जो इसकी कंपोजिशन है, यानी कि ये जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, वो सबसे ज़्यादा कार्बन जो है इसमें असेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, यानी कि कार्बन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड का पार्ट है। और इसके अंदर कुछ और भी कार्बन के अलावा कुछ एलिमेंट्स मिलते हैं, सच एस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन, सल्फर एट्सेट्रा। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो वो मिलके बने होते हैं ऑलमोस्ट प्रेडिक्टेबल, यानी कि इसके अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन से हटकर जो कंपाउंड्स या एलिमेंट्स होते हैं वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। क्योंकि इनऑर्गेनिक का मतलब ही ये होता है कि विदाउट कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स, यानी कि इन तीन चार एलिमेंट्स से हट के जो होंगे वो इसके अंदर इनऑर्गेनिक के अंदर होंगे। अब कोवलेंट लिंकेज की बात कर लें, कोवलेंट लिंकेज क्या होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, ज़्यादातर जो इनकी बॉन्डिंग हुई होती है वो कोवलेंट हुई होती है, और ये पोलर भी हो सकती है और नॉन पोलर भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसके अंदर आयोनिक बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। हाँ जी, सोलिबिलिटी की बात करें तो सोलिबिलिटी का मतलब होता है डिजॉल्व, यानी कि उसका डिजॉल्व हो जाना। वो कह रहे हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हैविंग नॉन पोलर लिंकेज आर जनरली सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो ज़्यादातर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ही डिजॉल्व होते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अल्कोहल है, ईथर है, बेंजीन है, कार्बन डाइसल्फाइड वगैरह है, ये सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है और इसके अंदर ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिजॉल्व किया जाता है। इसके अलावा अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो उनके अंदर आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तो सिंपल सी बात है वो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर भी डिजॉल्व हो जाते हैं, लाइक जो वाटर वगैरह है, वाटर जो है वो एक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें, जबकि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी। बेसिकली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं कि उसके अंदर से कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास आउट हो सकती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। जैसे कि हम जानते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी कि बिल्कुल कम इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास आउट होती है। जबकि जो इनऑर्गेनिक होते हैं इसकी जो नेचर है वो आयोनिक होती है, इसलिए ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं मॉडर्न स्टेट में। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होती, जबकि जो इनऑर्गेनिक होते हैं ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, इसमें से अच्छी खासी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास आउट हो जाती है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, अब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनके लो मेल्टिंग और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, और ये वोलेटाइल इन नेचर होते हैं। वोलेटाइल का मतलब होता है जो खुद ब खुद हवा से उड़ जाता है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कपड़े हैं, कपड़ों को वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद हम उनको धूप में डालते हैं, जब तो क्या होता है कि पानी उसमें से इवेपोरेट हो जाता है। यानी कि इसी तरह की कुछ होती हैं कंपाउंड्स आप कह लें कि जिनको हम हवा के अंदर रखेंगे थोड़ी देर के लिए, वो ऑटोमेटिकली इसमें से वो ख़त्म हो जाता है, वो उड़ जाता है हवा में। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है, यानी कि इसको हम बहुत ज़्यादा अगर वो टेम्परेचर दें तो तब ये जाके बॉयल होता है या मेल्ट होता है, लेकिन जबकि जो ऑर्गेनिक होते हैं इनको हल्का सा धूप में भी रखा जाए तो ये फ़ौरन वोलेटाइल हो जाते हैं। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि ये कितने स्टेबल हैं,
उन्होंने कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हमने पहले भी बात की है कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लो होता है, इसलिए ये लेस स्टेबल होते हैं देन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से, यानी कि इनकी इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं होती ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। कंबस्टिबिलिटी की बात कर लें यानी कि इनको कितनी जल्दी आग लग सकती है आप कह लें, तो ये कह रहे हैं कि हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन आर जनरली कंबस्टेबल, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो हाई, इसके अंदर परसेंटेज हाई परसेंटेज होती है कार्बन की, और जब हाई परसेंटेज होगी कार्बन की तो ज़्यादा कंबस्टेबल होते हैं, जबकि जो होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड इसके अंदर कार्बन की मिकदार जो है वो ऑलमोस्ट नहीं इसके अंदर मौजूद होती या ना होने के बराबर होती है, इसको हम नॉन कंबस्टेबल कहते हैं, यानी कि इसको बहुत जल्दी आग नहीं लग सकती। आइसोमेरिज्म की बात करें अब, आइसोमेरिज्म क्या है, ये एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जिससे हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को और ऑर्गेनिक सब्सटेंस को एक दूसरे के साथ डिफ्रेंटिशिएट कर सकते हैं। आइसोमेरिज्म जो है ये बहुत रेयर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में पाया जाता है, जबकि सबसे ज़्यादा प्रोसेस जो है फिनोमिना जो है आइसोमेरिज्म का वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिलता है। रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, ये कितनी जल्दी रिएक्ट करते हैं, ये कितनी जल्दी रिएक्शन शो करते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कोवलेंट लिंकेज, हमें पता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि इसके अंदर कोवलेंट लिंकेज मौजूद है, तो जो रिएक्शन है ऑर्गेनिक कंपाउंड का और मॉलिक्यूलर इन नेचर, ठीक है ये मॉलिक्यूलर इन नेचर होता है, और इसके अलावा ये स्लो रिएक्ट करते हैं, और इनके लिए हमें कुछ ना कुछ स्पेसिफिक कंडीशन रिक्वायर होती हैं इसको रिएक्शन को करवाने के लिए, यानी कि हमें स्पेसिफिक कुछ टेम्परेचर भी चाहिए होगा, हमें स्पेसिफिक प्रेशर और कैटलिस्ट भी कुछ चाहिए होंगे जिससे हम रिएक्शन जो है उसको स्टार्ट करवा सकते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज थी, ऑलमोस्ट 10 प्रॉपर्टी थी। हम एक दफ़ा दोबारा से इसका ओवरव्यू कर लेते हैं। हम दोबारा से अगर इसका ओवरव्यू करें तो इसमें ओरिजिन आ जाता है, कंपोजिशन आ जाता है, कोवलेंट लिंकेज आ जाती है, सॉल्युबिलिटी इसकी कैसी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के हिसाब से हम लोगों ने देखा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जबकि इनऑर्गेनिक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें जो हमने पढ़ा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये लो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट इसलिए बहुत जल्दी वोलेटाइल भी हो जाते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक जो है ये हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। स्टेबिलिटी की बात करें, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होता है, इसलिए ये लेस स्टेबल होते हैं, इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते। कंबस्टिबिलिटी की बात करें अगर हम करें तो जो हाई परसेंटेज इसके अंदर मौजूद होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, इसलिए ये ज़्यादा कंबस्टेबल होते हैं, यानी कि इसको फ़ौरन जल्दी से आग पकड़ती है। जो इनऑर्गेनिक होते हैं इसमें हमने पढ़ा कि इसमें कार्बन वगैरह नहीं मौजूद होता, तो इसलिए ये नॉन कंबस्टेबल होते हैं। फिर इसके बाद आइसोमेरिज्म की बात करें तो ये जो आइसोमेरिज्म का फिनोमिना है हमने बात की है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे ज़्यादा इसकी टेंडेंसी मिलती है, जबकि आइसोमेरिज्म की जो फिनोमिना है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पे बिल्कुल भी नहीं मिलता या बिल्कुल कम होने के बराबर होता है। रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात कर लें तो रेट ऑफ रिएक्शन में हमने बात की है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर हम कोई भी रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसा कुछ नहीं होता। यानी कि अगर हमें स्पेसिफिक कंडीशंस कैसी हो सकती हैं, टेम्परेचर, हमें ख़ास टेम्परेचर चाहिए होगा या ख़ास प्रेशर या ख़ास कैटलिस्ट चाहिए होगा उस रिएक्शन के मुताबिक जिससे हम जो उसका रिएक्शन है उसको स्टार्ट करवाएंगे। टेम्परेचर से मुराद ये होता है कि यानी कि फॉर एग्जांपल आप जिस रूम में रिएक्शन कर रहे हैं उसका टेम्परेचर कितना है या उस रिएक्शन को के लिए कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो हमारे पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास वो अटेन नहीं होगा या प्रेशर वो वाला अटेन नहीं होगा या हमारे पास वो कैटलिस्ट मौजूद नहीं होगा तो हम उस रिएक्शन को कभी भी नहीं करवा सकेंगे। तो ये हमारा टॉपिक था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ये अक्सर पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हाथ से पूछा जाता है ये वाला। और ये 8 नंबर का आता है सवाल, समटाइम 4 नंबर का आ जाता है ए बी पार्ट में, और समटाइम ये शॉर्ट में आ जाता है राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अपने कोई सी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी होती है और समटाइम ऐसा ही आ जाता है राइट द नोट ऑन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर एक नोट लिखें, जो आपने फिर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हाथ से उसको लिखना होता है। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहें या आपको समझ ना आ रही हो तो काइंडली आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जो मेरे चैनल पे न्यू है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली अपने वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।